हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग, वेलकम इन खाओ बनाओ 96। आप लोग के लिए एक मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि है, आप लोगों को थंबनेल से वैसे पता चल गया होगा, ये है साबूदाना की खिचड़ी, कैसे हम लोग बनाए, फास्टिंग में कैसे बनाए और नॉर्मली भी कैसे बनाए, जब हम लोग को ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होगा। गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, तो हम लोग अभी इंग्रेडिएंट आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या ऐड कर रहे हैं। ये है सेना नमक, ये नॉर्मल सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, एज ये फास्टिंग है तो हम लोग सेना नमक यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा हाफ टी स्पून जीरा, ये जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। हम लोगों को मसाले के साथ थोड़े ग्रीन चिलीज भी चाहिए रहेंगे, 3-4 ग्रीन चिलीज हम लोग को ये शेप में काटने हैं, उसके बाद स्मॉल चॉप करना जिससे टेस्ट इन्हांस हो जाए। और करी लीव्स हम लोग को ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोगों को अच्छा लगे। एंड फिर हम लोग को पटेटो ऐड करना है, पटेटो बहुत अच्छा, मतलब आई मीन मेन इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है साबूदाना खिचड़ी में। तो हम लोगों को दो से तीन पटेटो हम लोग को सेम शेप में काट लेना, जिससे स्मॉल शेप में काटना जिससे हम लोग जल्दी पक सकें। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं पीनट्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ये पीनट्स मैंने नॉर्मली रोस्ट कर दिया, जैसे हम लोग नॉर्मल रोस्ट करते हैं पीनट्स, सो रोस्टिंग पीनट्स चाहिए हम लोगों को। और ये पीनट्स को हम लोग को ग्राइंडर में ग्रिड भी करना है स्मॉल साइज में। ये हम लोग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये है साबूदाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्रेडिएंट, इसी से हम लोग की साबूदाना खिचड़ी बनने वाली है। गाइस, सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं प्रॉपर आप लोग को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग को बनाना है। गाइस, सो हम लोग पीनट्स को ग्रिड करने के लिए रेडी हैं मिक्सर में। गाइज, हम लोग को ऐसे बारीक में पीनट्स को ग्रेट कर लेना है। ये क्यों मैं किया हूँ, क्योंकि जो हम लोग की साबूदाना खिचड़ी है वो फरफरी बने थोड़ी। गाइज, हम लोग ने अपना कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, अभी हम लोग फॉलो करना प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ। गाइज, हम लोग का गैस का फ्लेम हाई पे किया हुआ है, अभी हम लोगों को 2 टी स्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल हीट होने के बाद सबसे पहले हम लोग जीरा ऐड करेंगे हमारे ऑयल में। जीरा को भूनने के बाद हम लोग हमारी ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, स्लाइटली सॉटे करना है हम लोग को, मिक्स करना है स्लो फ्लेम पे, हम लोग को सॉटे करना है। कड़ी पत्ती हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी, जिससे हम लोग का टेस्ट इन्हांसमेंट हो सके। सॉटे होने के बाद हम लोग को हमारा आलू पटेटो ऐड करना है। हम लोग ये स्लो फ्लेम पे सॉटे करते जाएंगे और मसाले ऐड हम लोग को बाद में करना है थोड़ा। अभी हम लोग इसको कुछ टाइम के लिए ढक देंगे, तो हम लोग 3 मिनट के लिए हम लोग इसको पकाएंगे। सो गाइज, 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा आलू जो है वो पक गया होगा। चलो हम लोग देखते हैं कैसा हुआ है। तो फ्लेमिंग से देख रहे होगे, हल्का हल्का और शॉर्टे करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, लेकिन 3-4 मिनट में आलू हो जाते हैं। अब नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, स्टेज पे हम लोगों के मसाले ऐड करेंगे। तो जैसे कि बताया था मैंने, सेना नमक सबसे पहले ऐड करेंगे, या नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग के घर पे रहता है वैसा। तो अभी फास्टिंग का मन रहा है तो सेना नमक यूज़ किया मैंने। इसके बाद मैं जीरा पाउडर ऐड करूँगा, उसके बाद हम लोग धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। अभी हम लोग अच्छे से इसमें सॉटे करेंगे, जिससे मसाले अच्छे से भून जाएँ ऑयल में। गाइज, हम लोग ने अपने मसाले को सॉटे कर लिया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से ढकेंगे 2 मिनट के लिए, जिससे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। सो 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग अपना फ्लेम स्लो पे ही रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारा जो आलू है वो अच्छे से पका या नहीं। तो आप लोग फ्लेमिंग देख रहे होंगे, ये आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी हम लोग को आगे का प्रोसेस ये करना है। हम लोग को साबूदाना अच्छे से मिक्स करना है, मतलब फरफर करना है। ये कैसे भिगा के रखना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी हम लोग स्लोली मिक्स करेंगे इसको, मिक्स करने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि साबूदाना हम लोग कैसे और कितना वाटर हम लोग को ऐड करा, जिससे हम लोग का साबूदाना ऐसा फरफर बने जैसे कि हम लोग को बाहर बाजार में मिलता है। हम लोग ने कढ़ाई में साबूदाना ऐड कर दिया हुआ है, अभी हम लोग अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जिससे अच्छा कलर और टेक्स्चर आए। तो हम लोग को साबूदाना कैसे भिगा के रखना है, हम लोग को एटलीस्ट कम से कम 6-7 घंटे इसको भिगा के रखना पड़ता है। हम लोग अगर 200 ग्राम साबूदाना ले रहे हैं तो उसमें हम लोग को 150 ग्राम पानी डालना है और उसको ढक के रख देना है। उसके बाद चेक करना है कि एक ऐसे दाने को फोड़ के चेक करना है कि अच्छे से ये बनाए कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे
जैसे पनीर को हम लोग फोड़ते एकदम चिकना चूर हो जाता है, वैसे सेम एज इट इज़ ये ऐसे पिस जाना चाहिए। तो ये इसकी ये मतलब आप लोग ऐसे इसको क्यूए कर सकते हो। अब लोग हम लोग स्लाइटली मिक्स करेंगे, स्लोली स्लोली हम लोग, ये गैस का फ्लेम स्लो ही रहेगा, हम लोग को गैस का फ्लेम फास्ट नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी साबुदाना जो है वो भिगाया हुआ था। तो इसको सिंपली क्या करना है, भाप से पकाना है, लाइक इडली जैसे इडली पकाते हैं वैसे सेम एज इट इज़ पकाना है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने पीनट्स को मिक्स करके रखा था वो हम लोगों को ये स्टेज पे ऐड करना है जिससे साबुदाना एक दूसरे में चिपके नहीं, ऐसे फर फर बने। तो हम लोग स्लाइटली इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारे हर एक पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से ये हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए जिससे हम लोग का फर फर साबुदाना बने। सो गाइज हम लोग ने अच्छे से मिक्स कर लिया है अपना, और अभी हम लोग उसको ढक देंगे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। गाइज 2 मिनट के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको चला लेंगे, आई मीन मिक्स कर लेंगे और अच्छे से देखेंगे कि पका हुआ है कि नहीं। सो हल्का हल्का भाप निकल रहा है और आप देख रहे हो कलर भी चेंज हो रहा है, साबुदाना का नॉर्मली कलर वाइट रहता है, आप लोग देख रहे हो एकदम फर 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 बना हुआ है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और ढक के रखेंगे, और कोई इंग्रेडिएंट आपको ऐड नहीं करना है, ओके। सो गाइज वेट यहाँ पर टिल एंड होता है, और हम लोग का साबुदाना का जो खिचड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग के सामने ही मैं इसको आराम से ओपन करूँगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसमें थोड़े बहुत वाटर है और ये अच्छी तरह हो चुका है। मैं थोड़ा क्लोज़र लुक दे देता हूँ आप लोगों को कैमरा एंगल चेंज करके, ये अच्छे से एकदम पक चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को सेम एज इट इज़ ऐसे बनाना है, इसको मैं टेस्ट करके भी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा है। तो गाइस मेरा साबुदाना का खिचड़ी जो रेडी है, अभी मैं ट्राई करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। मैं दही के साथ खा रहा हूँ उसको, आप लोग नॉर्मल ऐसे खा सकते हो या फिर नींबू के साथ खा सकते हो। तो मैं जेन्युइन आपको टेस्ट बताऊंगा, कोई इसमें फेंका फाक नहीं। आलू है अच्छे से पक गए हैं, जितने मसाले हैं अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो साबुदाना है वो भी अच्छे से पक गया है, तो ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए और घर पे बनाइए और हम लोग को बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा बना हुआ है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।